उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी निचलौल। 5 सितंबर 2014 को मैंने यहाँ ज्वाइन किया और उसी समय यहाँ बाढ़ आई थी। और स्थिति यह है कि आज 4 साल हो गए और 4 साल हमेशा अगस्त और सितंबर महीने में मेरा आवास पानी से डूबा रहता है और हॉस्पिटल भी पानी से जलमग्न रहता है, जिससे जनता को भी आने में यहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरे यहाँ आवास की स्थिति यह है कि 15 दिन तक न मैं यहाँ लैट्रिन कर पाता हूँ, न खाना खा पाता हूँ और किसी तरह से दिन रात बिता करके और जंगल में मुझे शौच करने के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है ब्लॉक के अंतर्गत कि मैं वहाँ पे रात्रि विश्राम कर सकूँ या शौच करने के लिए जा सकूँ। परेशानी यही है, जब मुझे परेशानी है तो मेरे हॉस्पिटल पे जनता को भी आने में परेशानी होती है। अब इसमें मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता, ब्लॉक प्रमुख से भी कहा, उनके प्रतिनिधि से भी कहा, लेकिन किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। केवल आवास के चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे में ही आवास बना है। वो पहले SDM साहब का आवास हुआ करता था, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। SDM साहब यहाँ से चले गए, यहाँ ब्लॉक बन गया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आवास पे शौचालय की व्यवस्था नहीं है और शौचालय पानी से डूबा हुआ है, पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है और पानी 8 इंच लगा हुआ है और बाहर भी पानी है और अंदर कमरे में भी पानी है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डायनामाइट न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।